यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 64। यशायाह अध्याय 64। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंझाड़ जला देती है व जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया और पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से ऐसा परमेश्वर जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, तुझे छोड़ न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। जो लोग धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, उनसे तू मिलता है, परंतु तू क्रोधित हुआ है क्योंकि हमने पाप किया और हमारी यह दशा बहुत काल से है, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? देख, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हमारे सारे धर्म के काम कुचेले चित्रों के समान है और हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने वायु की नाई हमें उड़ा दिया है और कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता और न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए उद्यत होता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि तूने हमारे अधर्म के कामों के द्वारा हमको भस्म कर दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी के हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को याद न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा है, देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन तो जंगल हो गया और यरूशलेम उजड़ गया है, हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारे सब मनभावनी वस्तुएं नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के रहते भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा?